मेरे की मने सर करा दे ओ मैं मानू ना पति हेरे आगे आगे घोड़ा चला पाछे पार्वती मेरे की मन से करा दे मानूंगा पति आगे आगे घोड़ा चला पाछे पार्वती हो आगे आगे घोड़ा चला पाछे पार्वती क्या बात है भाई श्रोताओं बताया कि वो माता पार्वती और भगवान शिव अपने नादिये को लेके इस मृत लोक में पहुंच गए। जब पहली बार एक मेला देखा उसमें आप जैसे मंडासाधारी लोग मिले और उन लोगों ने जब उनको देखा तो बोले कि देखो रे देखो सवारी साथ में ले रहे इन बड़का पागल होगा भाई कोई इस देश में सवारी साथ ले रहे पैदल चलन लाग रहे क्या बताया बोला आप पहले के लिए भी कवि ने आपके सवाल हिरण ना दिया भी साथ लिया जा सुखदारी हेरा जब मेले में आन बड़े देख दुनिया सारी हेरा सभी कहे इस मोटे की क्यों कई अकल मारी यो आप ते पतल चल रीती बोल जा से असवारी हो आप ते पतल चल रीती जा से असवारी इसी कोमल पतली ये रखो कर खारी जब लोगों ने कहा कि भाई देखो पागल है तो भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती मैं तने कहता कि तू बैठ ले बोला नहीं महाराज आप वृद्ध हो आप बैठो मैं तो पैदल ही चल पड़ूंगी। तो एक पुड़ी के सारे नादियों को लगाया गया उसमें भगवान शिव सवार हो जाते हैं और पार्वती पकड़ की जेवड़ा आ गया गया। फिर कुछ दिन दूर चले एक गुसाए मेला और आ गया उसे मनासाने लोग फिर मिल गए। जब वो बाणा देखा तो के कहने लगे लोग क्या बताया भला दूसरी गली में कोई बात नहीं आराम तो बैठ जाओ आराम तो बैठो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आराम से फिर शिव जी असवार हुए शिव जी असवार हुए तब कौन जकर चढ़ता
भाई सभी कहे क्यों टंगिया बैल पे यो तड़ नहीं पड़ता फिर असवारी बिमरी के इसका जीना लखलता भाई जयो पदल चलते इसके सर्प नहीं लड़ता जयो पदल चलते इसके सर्प नहीं लड़ता यो बाबा जी बेकूम तेरे सर बाबा जी घोड़ा चला अच्छा पार्वती की पार्वती ₹50 से उस भाई ने मान सम्मान किया, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। देखिए जब भगवान शिव ने सवारी की तब भी लोगों ने कुछ कहा। भगवान शिव फिर से पार्वती को कहने लगते हैं कि पार्वती मैं तनन्यू गधा तू बैठ ले, पर तू माननी नहीं। बोली महाराज कोई बात नहीं, कुर्से कागज गड़ गए ई बैठ जाएंगे। तो दोबारा से उस नादिये को एक पुड़ी के सारे लगाया जाता है और इस बार माता पार्वती उस पर सवार हो जाती है और महादेव भगवान शिव पकड़ की जेवड़ा गा गए। फिर कुछ दूर चले एक और मेला आया, उसे लोग फिर मिल गए। क्या बोले लोग सुनकर देख के क्या बोले बता। फिर पार्वती फिर बैठा लई बोले पार्वती बैठा लई शिव पैदल जाया से भाई सभी कहे यो मोटा वीर के रयम आया से फिर आप तो पदल चल भ्रूण ने यो सर्प ठाया से के बुआ की बेटी लागे इके लाड लडाया से के बुआ की बेटी लागे लाड लडाया से जो तहूत पड़ा पे से ऊत पड़ा पे अच्छे पार्वती मेरे की बने सरदारे मयूरा पति आते आते थोड़ा चला अच्छे पार्वती जवा तक जवा भाई श्रोताओं बताया कि जब भगवान शिव सवार हुए तब विवाद नहीं बढ़ी, पार्वती बैठाई से तो विवाद नहीं बढ़ी। क्योंकि कवि ने बताया कि इस दुनिया में इस जनता जनार्दन के अंदर अलग अलग बुद्धि और अलग अलग मति के लोग रहते हैं। इसे धरती पर रहो एक जैसा खाना खाओ लेकिन अपने अपने विचार और अपनी अपनी बुद्धि अलग अलग काम करती है। उसने बताया कि जब भगवान शिव ने सवारी करी तब विवाद नहीं बढ़ी, माता पार्वती ने सवारी करी जब विवाद नहीं बढ़ी, और तो और जब खाली चल रहे थे जब विवाद नहीं बढ़ी। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि ओ राजा इस मृतलोक में और मिलने अपने यारा तो जिद्दी कर रही थी तब। बोली महाराज ई भी कब चाले आगे फेर कदे नहीं को इस मृतलोक की सैर करने खातर। तो बोला एक आइडिया और है मेरे दिमाग में। बोला के बोला दोनों बैठांगे के मेरा बात बन जा, जब बात बन गई तो ठीक से नहीं बात मेरे काबू तभी बाहर हो ली है तब। तो क्या बताया बोला
फिर दोनों असवार हुए, क्या पूरा बंडा सभी कह मोटा मोटी ने यो मार गया रखे इनके पटूट गए जो तुला जाता ना सुंदर साथ जमीन यहाँ पर ना तो हो सुंदर साफ जमीन यहाँ पर ना तो ये चोर जार बदमाश फिर सर चोर जार बदमाश फिर भोला चला अक्ष पार्वती मेरे जीवन सैर करा दे भोला चला अक्ष पार्वती कवि ने आखिरी बात में बताया कि जब उस भगवान शिव और माता पार्वती को इन्होंने नहीं बख्शा इस जनता जनार्दन ने तो एक आम आदमी की कोई औकात नहीं है। हम चाहे कोई भी काम करते हैं उसके दो पहलू होते हैं, कोई तो न्यू कह दिया रहा भाई इसकी तो दिख है फिर कोई न्यू कह दिया रहा ना के करया है मन भी कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं। आखिरी कड़ी में इस वजन का तोड़ कर कवि ने क्या बताया भला हेरे इसी तरह सब दुनिया बस्ती दुनिया बस्ती भाई शाह और चोरा की जो अपनी सुनके कह दे और तै के असल और अड़ शिव जी की मपे से चली के चल और श्री देव राम कह भाई कोई मत सुनियो इन चुगल को रही हो देव राम कह मत ना सुनियो चुगल को रही ये चुगल को पूरे चुगल को भोला चला अक्ष पार्वती मेरे जीवन सैर करा दे भजन अच्छा लगे हो तो भाई ताली बजा दो।